जी देखिए, हिलाल भाई को मैं याद दिलाना चाहूंगा। हिलाल भाई, महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला साहब भी कहते थे कि धारा 370 को हटाया नहीं जा सकता है, और हमने देखा है कैसे 2 दिन के हमने अंदर ये इस कब देश के कहा अंदर हटाया नहीं था? धारा 370 हट गई। तो ये कहकर बिलाल भाई कि ये नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि हिलाल भाई नकारात्मक सोच के आधार पर बढ़ते हुए भारत के लिए जो कानून उसके अवरोध बनने वाले हैं, हमने बहुत सारे कानूनों को हटाया है, अंग्रेजों के बनाए हुए बहुत सारे 1,000 से ज्यादा कानूनों को समाप्त करके दिखाया है, और मुझे लगता है कि देश की बेहतरी के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार उसको करेगी, करके दिखाएगी। और जो लोग ये कहते थे कि 370 हटने के बाद देश के झंडे को कश्मीर में लेने वाले नहीं मिलेंगे, उनके सपने मुझे लगता है टूट गए थे। और वैसे ही देश की बेहतरी के लिए हम निर्णय करेंगे, निर्णय के लिए जो भी आवश्यक होगा उस पर हम विचार विमर्श सबके साथ करेंगे, और बेहतरी के आधार पर, देश के ठीक बेहतर है, भविष्य के आधार पर बेहतर सबसे बड़ी निर्णय दिक्कत लेने के यही है। लिए आगे। ऑपोजिशन ये कहता है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, चर्चा कराती नहीं है, ला करके थोप दिया जाता है। अशोक यादव, आपका रुख कर रही हूं मैं। ठीक है सर, अशोक यादव, आपका रुख कर रही हूं मैं। यहां पैनल में जितने लोग बैठे हैं, नफा नुकसान दोनों की बातें हमने की है कि अगर इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की ओर देश जाता है, इस पर फैसला लिया जाता है, तो प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, नफा नुकसान किस तरीके से। समाजवादी पार्टी इस चीज का इतना पुरजोर विरोध क्यों कर रही है? पहली दफा तो ये होगा नहीं, कांग्रेस के शासनकाल में भी इस तरीके से चुनाव हुए हैं। देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात तो यही मैं बता दूं, जो इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि आगामी जो 28 तारीख का सेशन चल रहा है इसमें ये बिल ला दिया जाएगा, पास करा दिया जाएगा, ये पूरी तरह से बेबुनियाद बात है। अभी हिलाल साहब कह रहे थे, वो बिल्कुल 100% सही कह रहे थे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से पारित नहीं हो सकता, उसके लिए राज्य के जितने भी राज्य हैं उनके आधे कम से कम उनकी सहमति जरूरी है। और हमारा देश का जो संविधान है, फेडरलिज्म को उसकी मूल भावना है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। आपने जो जो भी बातें गिनाई कि हमने ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया, इतना कानून ला दिया, सारी बातें डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम 5 अमेंडमेंट होंगे। जो आर्टिकल 82 है, इसके तहत जो है लिखा गया है कि लोकसभा कार्यकाल 5 साल होगा, आर्टिकल 172 के अंतर्गत लिखा गया कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होगा, और आर्टिकल 85 बताती है कि लोकसभा को भंग करने का कैसे नियम है, 174 बताती है विधानसभा को कैसे भंग किया जाता है, राष्ट्रपति शासन किन दशाओं में लगाया जाता है। आप ये सब जब तक अमेंडमेंट नहीं लाएंगे, किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन करने के, आप बताइए जरा संजय जी। ये सारी बातें जो है बिल्कुल ये चुनावी शिगुफा है, और जो एक जो इंडिया का गठबंधन जो कि मजबूत होता जा रहा है, उसका देश का जनमानस इसके साथ एक छत्र इसके साथ खड़ा हो रहा है, उसी की तरफ से इसको इस एजेंडे को डिरेल करने के लिए माननीय मोदी जी द्वारा लाया गया एक चुनावी शिगुफा है। इसके देखिए, आनंद फानंद में क्योंकि कमेटी भी गठित कर दी गई है, कमेटी का अध्यक्ष भी बना दिया गया है रामनाथ कोविंद को, तो इस वजह से मैं कर, ताकि जनता को लगे कि हाँ चीजें मूर्त रूप लेने जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने पा रहा, इनके पास पावर नहीं है इस तरह करने का, इसके लिए पूरा एक सिस्टम होता है। आप एक कोई ऐसा नहीं कोई फाइनेंशियल बिल आपने लाया, ठीक है, जो पार्लियामेंट संविधान का जो हवाला आपने दिया, जिसका उल्लेख आपने किया, जिस अनुच्छेद का जिक्र किया, विश्वात्मा जी से और उस पर डिटेल हम जान लेते हैं। सर, क्या कहता है संविधान? आपने पहले कहा था कि उसके आड़े नहीं आएगा, सरकार चाहे तो ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन अब ये चीज भी सामने आ रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों पार्लियामेंट के सेशन से आप इसको सिर्फ पास करा लें, कम से कम तमाम राज्यों से बहुमत आपके पास होना चाहिए। और यही सवाल मैंने भी पहले किया था कि बिना बहुमत के आप इसको लोगों पर थोप नहीं सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विश्वात्मा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। चलिए, मैं उनका रुख करूंगी, तब तक मैं गौरव रघुवंशी से कमेंट ले लेती हूं। गौरव रघुवंशी, देखिए प्रिया जी, नेशनल टीवी पे बैठ के संजय भाई जिस तरह का झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं हो जाता है कभी कभी। अभी इन्होंने कहा कि विधानसभा इलेक्शन में उड़ीसा में बीजू जनता दल ने ज्यादा सीटें जीती थी, जबकि लोकसभा में भाजपा ने ज्यादा जीती थी। अब बीजू जनता दल ने 12 सीटें जीती थी लोकसभा में और भाजपा ने 8 सीटें जीती थी। अब 12 ज्यादा होता है, 8 जो होता है आप डिसाइड कर लीजिए। इन लोगों की कथनी करनी में बहुत अंतर होता है, ये सोचते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, और इनका इनका छुपा हुआ जो एजेंडा होता है वो बहुत अलग होता है। क्या एजेंडा है सर, क्या मंशा है इस देश में? इस वक्त जो भी चीजें हो रही है, इतनी जो अस्थिरता आ रही है, रातों रात कोई बिल आ जाता है, उसको किस तरीके से कानून बना करके लागू भी कर दिया जाता है, क्यों? आप किस ओर इशारा कर रहे हैं?
प्रिया जी 2024 के इलेक्शन का डर, हारने का डर जो अब भाजपा पे और मोदी जी के चेहरे पे दिखाई देने लगा है, और इस तरह की हरकतें जब शुरू हो गई हैं तो आप देखिएगा कि 2024 में जनता इनको करारा जवाब देने वाली है। अभी जब इन्होंने 200 रुपए सस्ता किया घरेलू सिलेंडर, तो उसका भी जब करारा जवाब जनता ने दिया है ट्विटर के माध्यम से और तमाम माध्यमों से, मैंने भी पढ़ा और आपने भी देखा होगा जी। तो इस तरह के हथकंडे नहीं काम आने वाले हैं। जनता समझ गई है कि 10 सालों में देश को लूटा गया है और जनता एक नया चेहरा देखना चाहती है, नया ऑप्शन देखना चाहती है। इस वजह से ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। बीजेपी को भी बखूबी पता होगा सर, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और किस तरीके से वो 9 सालों से हम देख रहे हैं कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। आम चुनाव की मैं बात कर रही हूँ, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूँ, तो ये सारी चीजें भी जब ये पूरा खाता तैयार किया गया होगा तो ध्यान में रखा होगा बीजेपी ने भी। प्रिया जी, एक दौर इंदिरा गांधी जी का भी था, शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में वो दौर भी एक ऐसा दौर था जो नरेंद्र मोदी जी के दौर से भी ज्यादा पावरफुल था। ऐसा नहीं है, इस देश में लोग आए हैं, राजनीति शासन किया है और अच्छे से शासन किया और उसके बाद जनता ने उन्हीं को धूल में मिला दिया है, तो इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। जनता बीजेपी मुद्दों से डिरेल हो गई, आप ये कह रहे हैं, अहित अहित और सब कुछ जानती है जनता जी, बिल्कुल डिरेल हो गई है। ये मोदी जी ही थे जो कहते थे कि सब्सिडी नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, अभी 200 रुपए का क्यों दिया गैस सिलेंडर को सब्सिडी। ठीक है विश्वात्मा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, ऑडियो प्रॉब्लम अगर ठीक हो गया हो तो अब आपका कमेंट लेना चाहूंगी। चलिए, उन तक आवाज अभी भी नहीं पहुंची है, वापस मैं रुख कर रही हूँ। संजय जी हमारे साथ लगातार बीजेपी से बने हुए हैं। संजय जी, गौरव रघुवंशी को भी सुना आपने, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मुद्दों से डिरेल हो चुकी है और INDIA जो 28 विपक्षी एकता की ताकत ये देख करके इस तरीके के शिगुफे छोड़े जा रहे हैं ताकि किस तरीके से जनता को भटकाया जा सके, और आप लोग ऐसा कुछ करने नहीं वाले हैं। वक्त वक्त पे चाहे UCC हो वो आप लेकर के सामने आ जाते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन बताते नहीं है कि आखिरकार इसको लेकर के आप क्या विचार कर रहे हैं। इसके अलावा अब एक नया चीज आपने जोड़ दिया, वन नेशन वन इलेक्शन, प्रधानमंत्री भी बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं, आपके लीडर्स इसको सराह रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से इसको नकारा जा रहा है। देखिए, अपोजिशन अपनी बात करती है, बीजेपी पार्टी विद ए डिफरेंस इसीलिए थी कि हमारे 3 कोर इश्यूज थे और आपने देखा होगा हमने सरकारें बलिदान कर दी, लेकिन राम जन्मभूमि के मुद्दे पर, राम जन्मभूमि के मंदिर को बनाने का मार्ग भारतीय जनता पार्टी ने प्रशस्त किया है, जो हमने कहा है वो हमने करके दिखाया है। धारा 370 को लेकर हमारा स्पष्ट एकदम साफ था और उस साफ रुख के आधार पर हमने इस देश में धारा 370 समाप्त किया है सर। यही है, यही चीज तो फिर सामने आ रही है ना कि आम चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में फर्क क्या रहेगा, मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि आप उन मुद्दे को आम चुनाव में भी लेकर आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे उठते हैं, इसके अलावा जब राज्य स्तर पर चुनाव होते हैं तब भी वही मुद्दे रहते हैं, क्षेत्रीय समस्याएं फिर तो खत्म ही हो जाएंगी, उस पर ध्यान ही नहीं, उस पर चर्चा ही नहीं। देखिए, हमारा मुद्दा तो निश्चित रूप से विकास है। आप देखिए, आज जब गैस के सिलेंडर पर 200 रुपए कम हो रहे हैं, इसके विरोध में कौन लोग हैं? जब इसके पहले पेट्रोल के ऊपर जब 10 रुपए दो दो बार कम हुए तो कांग्रेस और कांग्रेस के मित्रों की सरकार ने अपने यहां 10-10 रुपए कम नहीं किए। ये बात तो करते हैं कि हम महंगाई के विरोध में खड़े हैं, ये बात तो कहते हैं कि देश में महंगाई कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब देश में मोदी की सरकार महंगाई कम करने की बात करती है तो ये वहां की जनता पर महंगाई को बढ़ाने के लिए षड्यंत्र करते हैं। अभी एक नया नमूना देखिए कि ये हिमाचल में जीत कर आए, बात करते थे महंगाई की, लेकिन जीतने के बाद सबसे पहला निर्णय क्या किया, इन्होंने सबसे पहला निर्णय किया कि वहां के डीजल और पेट्रोल पर 4 रुपए का टैक्स बढ़ा दिया। ये बात केवल कहने के लिए बात करते हैं महंगाई के विरोध के, लेकिन अपने राज्य में महंगाई को बढ़ाने के लिए सारे प्रयत्न करते हैं। ये कहते कुछ है और ये करते कुछ है, यही इसका नमूना है कि नेशनल लॉ कमीशन की में जो राजनीतिक दलों ने प्रतिवेदन दिए, समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन किया और आज समाजवादी पार्टी उसके विरोध में तर्क जुटा रही है। ये है मुद्दों से पलटना, ये बड़े आरोप लगते रहे, कानूनी पहलुओं पर गौर नहीं करती है बीजेपी, सिर्फ फैसले थोप देती है। कानूनी पहलुओं के लिए नेशनल लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है, निश्चित रूप से बड़े निर्णयों के लिए उस निर्णय पर जाएंगे और उसी के आधार पर हम अपने इस निश्चय को आगे बढ़ाएंगे।